स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। चाइना 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 द बिगेस्ट ब्लॉच। एक ग्रहण नाम की चीज होती है, वो है चीन, जो कि भारत के ऊपर लगा हुआ है। कैसे, आइए जानते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एडुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू आईएएस पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब चाइना ने किया क्या, व्हाट हैज चाइना डन एंड व्हाई डिड इंडिया कन्फ्रंट म्यांमार बिकॉज ऑफ चाइना। बड़ी कमाल की बात है, खास बात है कि हमें थर्ड कंट्री से, यानी कि तीसरे देशों से पता चलता है या गैर मुल्कों से पता चलता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि हमारे पड़ोस में हो रही है, और हमारे पड़ोसी जिन पर हमने खूब भरोसा करा, जिनको हमने हमेशा सपोर्ट करा, वो जो है वो एक तरीके से पीठ में खंजर भोगते हैं। इंडिया हैज कन्फ्रंटेड म्यांमार, व्हाई, लेट्स हैव अ लुक। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, अगेन मिस्टर जयशंकर ने क्या किया, अपने सेक्रेटरीज को भेजा, जिसके थ्रू म्यांमार के ऑफिशियल्स के सामने कन्फ्रंट करी गई है एक चीज। वो क्या करी गई है, आपको इस बारे में बताते हैं। पिछले दिनों क्या हुआ, कुछ सैटेलाइट इमेजेस रिलीज हुई ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से, यूके बेस्ड और यूएस बेस्ड इंस्टीट्यूशन से, जिससे यह पता लगा कि म्यांमार के पोजेशन में या म्यांमार के ज्यूरिस्डिक्शन में एक स्पेसिफिक आइलैंड्स के ऊपर एक अलग मिलिट्री बेस बन रहा है। उन आइलैंड्स का नाम है कोको आइलैंड्स। सो द इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली कन्फ्रंटेड द म्यांमार गवर्नमेंट ओवर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स। जो रिपोर्ट्स है वो भारतीय एजेंसी से नहीं आई है। चाइना कंस्ट्रक्टिंग अ सर्वेलेंस मिलिट्री बेस, एक मिलिट्री बेस बन रहा है, लेकिन इस बार ये बन रहा है वो ऐसे आइलैंड्स में जो कि म्यांमार के ज्यूरिस्डिक्शन में आते हैं, जिनका नाम है ग्रेट कोको आइलैंड्स। ये एक आर्किपेलागो है, यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, जो कि म्यांमार से तकरीबन 55 किलोमीटर साउथ की तरफ पड़ता है, अवे फ्रॉम इंडिया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड फ्रॉम म्यांमार। तो आपको इसकी एग्जैक्ट लोकेशन यदि दिखाई जाए, so just have a look at this location, these are the great coco islands। ye coco islands hai aur ye myanmar hai, itna dur hai andaman sea, and here somewhere are andaman islands, aur ye andaman islands ke bhi paas mein hai। to coco islands mein aisa suspect kiya ja raha hai ki ek military intelligence unit ya ek military unit ban raha hai। अब वो किस काम आएगा ये तो हमें पता नहीं, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन ये चीज बहुत सर्टन है कि ये चीन बिल्ड कर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि कोको आइलैंड्स इज क्लोज टू व्हाट, इट इज क्लोज टू ओडिशा। यहां पे हमारा व्हीलर आइलैंड है, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि स्पेस रॉकेट लॉन्चेस के लिए यूज होता है। यहां से विशाखापट्टनम पास में है, यहां से अंडमान पास में है, अंडमान के नॉर्दर्न पार्ट में भी भारत का एक मिलिट्री बेस है। तो इन सारी चीजों पे एकमात्र एक तरीके से या एक जगह से कंट्रोल रखने के लिए यह चीज बनाई जा रही है। जैसा मैंने आपको बताया, ये इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने नहीं पकड़ा है, बट यूके बेस्ड इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसका नाम है लंदन बेस्ड पॉलिसी रिसर्च ग्रुप, जिसका नाम है चैथम हाउस और शैटम हाउस, रिलीज द रिपोर्ट क्लेमिंग दैट जनता गवर्नमेंट, जो कि म्यांमार की रूलिंग गवर्नमेंट है, वॉज मिलिटराइजिंग द आइलैंड, कि आइलैंड को मिलिटराइज किया जा रहा है, क्योंकि वहां पे मिलिट्री एक्टिविटीज और मिलिट्री बेसिस देखी गई हैं। जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो आर्म्ड यूनिफॉर्म में या आर्मी के यूनिफॉर्म में देखे गए हैं, विद द सोल पर्पस ऑफ कंडक्टिंग मैरिटाइम सर्वेलेंस ऑपरेशंस इन द एरिया। अब इस एरिया में यदि आप मैरिटाइम सर्वेलेंस करोगे तो किसके ऊपर करोगे, यूके के ऊपर तो करोगे नहीं, करोगे किसके ऊपर, या तो साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर या भारत के ऊपर। साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर तो क्या ही करेंगे चाइना, because they are allies, it is purely on India, it will be purely done on India। to ye cheez kahi ja rahi hai ki ye abhi light pe aaya hai, aur US ki bhi agency ne January ke mahine mein yahi cheez release kari। following the report, Maxar Technologies, a US based space tech firm, released the satellite images in January 2023, जिसके थ्रू यह पता लगा कि उसी आइलैंड पे एक बहुत बड़े स्तर पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रिन्यूड लेवल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ऑन द आइलैंड। तो चाइना जो है वो अभी से नहीं, पिछले 30 साल से, 35 साल से
सन 1990 से इंटेलिजेंस एक्टिविटीज कंडक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके से, और ये सिर्फ भारत के ऊपर ही नहीं कई सारे देशों के ऊपर अलग अलग तरीके से इंटेलिजेंस एक्टिविटीज कंडक्ट करने के लिए बेसिस बना रहा है, एलाइज बना रहा है और अपने यूनिट्स जो है वो तैयार कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये वो सैटेलाइट इमेज है कोको आइलैंड्स की, और यहां पे साफ दिख रहा है कि एक एयर स्ट्रिप भी बनाई गई है जिसकी एक्चुअली जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड इट। इंडिया ने जब कन्फ्रंट करा तो पिक्चर्स में ये भी दिखाया गया कि आप मिलिटराइज कर रहे हो और उस मिलिट्री में चाइनीज ऑफिशियल्स भी प्रेजेंट है। सो शोकेस चाइनीज वर्कर्स हेल्पिंग विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लिसनिंग पोस्ट ऑन कोको आइलैंड्स, ये भी इन्वॉल्व है इन पिक्चर्स में। वर्कर्स वो आल्सो सीन एक्सटेंडिंग एन एयर स्ट्रिप, एक एयर स्ट्रिप देखी गई, चाइनीज वर्कर्स देखे गए, चाइनीज मिलिट्री वाले देखे गए। एंड ब्लूमबर्ग ने स्टेट करा दैट न्यू दिल्ली ऑफिशियल्स आर अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट, नई दिल्ली को इस बारे में बहुत अच्छे से पता है। इस वजह से नई दिल्ली ने कन्फ्रंट करा म्यांमार के जनता गवर्नमेंट के प्रीमियर को, इनको कन्फ्रंट किया गया। अब सवाल ये उठता है कि आप कन्फ्रंट करोगे तो आप क्या रिप्लाई एक्सपेक्ट करते हो, दूसरी तरफ से क्या रिप्लाई आएगा? शंट द रिपोर्ट, बेकार है सब कुछ, सब जो है दोगलापना है, एवरीथिंग इज हिपोक्रेसी। सो म्यांमार ऑफिशियल्स रिजेक्टेड द एलिगेशंस पॉइंट ब्लैंक। तो देखिए कहने का क्या मतलब है कि आपने पॉइंट ब्लैंक रिजेक्ट करा ये सोच के कि इंडियन, ये बोल के कि इंडियन ऑफिशियल्स के साथ हम सब कुछ डिस्कस करके कोको आइलैंड्स में करते हैं। बिल्कुल सही बात है, कोको आइलैंड्स में ही म्यांमार का ही मिलिट्री बेस है जो कि डिस्कस करके बनाया गया, लेकिन जब से चाइनीज बेस बना है या बनने जा रहा है या अनुमान लगाया जा रहा है कि बन चुका है, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए म्यांमार का यह कहना है कि इंडियन ऑफिशियल से हर चीज डिस्कस करने की जरूरत थोड़ी है, हम जो मर्जी करें, हमारी टेरिटरी है। सो म्यांमार रूलिंग स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल मेजर जनरल जॉ मिंटुन रिफ्यूटेड द एलिगेशंस कॉलिंग इट अब्सर्ड। व्हाई डिड ही कॉल इट अब्सर्ड? म्यांमार एंड इंडिया ऑलवेज हैव डिस्कशंस एट मेनी लेवल्स बट देयर वाज नो स्पेसिफिक डिस्कशन ऑन दिस इशू। बिल्कुल सही बात है, और क्यों नहीं है, इनका क्या कहना है? इशू वाज नेवर डिस्कस्ड विद द इंडियन ऑफिशियल्स, एडिंग दैट म्यांमार वुड नेवर अलाउ एक्सेस टू फॉरेन ट्रूप्स, कि म्यांमार कभी भी फॉरेन ट्रूप्स को एक्सेस नहीं देगा, ऐसा म्यांमार का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। सो इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी नोज परफेक्टली वेल दैट ओनली म्यांमार सिक्योरिटी फोर्सेज आर बेस्ड देयर, ये है, ये हमें पता है, बट आप एक्स्ट्रा लोगों को वहां पे अगर बेस दे रहे हो तो दैट इज थ्रेटनिंग फॉर इंडिया। अब तुमने अगर चाइना को बेस दिया है वहां पे तो ऑब्वियसली चाइना तुम्ही पे तो अटैक करेगा नहीं, करने को कर भी सकता है, सांप है वो, एंड दे आर डूइंग डिफेंस एक्टिविटीज ऑन इन देयर ओन कंट्री, ये चीज कर रहे हैं। अब सारा सवाल ये उठता है कि म्यांमार को चीन से इतना ज्यादा प्यार क्यों हो गया है? Why is Myanmar so supportive of China? This is something that we have to see. अब देखिए चाइना ने लोगों को, देशों को उस वक्त सपोर्ट करा जब वो सबसे ज्यादा सपोर्ट चाहते थे। म्यांमार के लिए इस चीज का एग्जाम्पल है 2021 में म्यांमार सरकार के ऊपर हुई कू डेटा, एक फ्रेंच वर्ड है कू, आपने डेफिनेटली सुना होगा, कई सारे देशों में, पाकिस्तान में, मालदीव्स में, श्रीलंका में कू हो जाता है। तो कू जब होता है तो देश की आर्मी जो है वो देश के इलेक्टेड लीडर्स की सरकार को हटा के अपने आर्म फोर्सेस के चीफ को जो है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या एग्जीक्यूटिव या प्रीमियर जो भी है वो बनाने की कोशिश करते हैं। उस कू को रोकने के लिए आपको दूसरे कंट्री की आर्मी को डिप्लॉय करना पड़ता है, क्योंकि आप ही की कंट्री की आर्मी तो अटैक करा है, उस आर्मी को रोकने के लिए कौन सी आर्मी लाओगे? सो यू नीड द आर्म फोर्सेस ऑफ सम अदर कंट्री, विच इंडिया डिड विद मालदीव्स 1988 ऑपरेशन कैक्टस। ऑपरेशन कैक्टस के तहत हमने वहां से जो इनकमिंग आर्मी थी, जो आर्मी मालदीव्स की इलेक्टेड गवर्नमेंट को कू के तहत हटाने वाली थी, उसको हमने वहां पे तोड़ा, उसको हमने वहां पे रोका। तो ये चीज चीन ने म्यांमार के साथ करी, दैट जनता गवर्नमेंट हैज बिकम मोर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन बीजिंग सिंस 2021 कू। अब देखिए कू हुआ, बिल्कुल सही बात है, इस कू को रोकने में इन्होंने मदद करी, पहली चीज। जब इस कू को रोकने के लिए मदद करी और ये चीन के ऊपर डिपेंडेंट हुए तो यूएस और यूके यानी कि वेस्ट ने म्यांमार के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। अब जब वेस्ट ने म्यांमार के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए तो ये इकोनॉमिकली कैसे फंक्शन करे, किसके साथ ट्रेड करे, किसके साथ व्यापार करे, किसको बेचे, किससे खरीदे? सो यूएस यूरोप हैड ब्रॉट सेवरल राउंड्स ऑफ सैंक्शंस, तो इनका मसीहा कौन बना? जिसका कोई नहीं उसका कौन? चीन। तो चाइना इज म्यांमार्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। अब म्यांमार को सबसे ज्यादा बिजनेस जहां से आता है उसको आप थोड़ी नाराज करोगे। सो इट हैज इन्वेस्टेड इन पोर्ट्स,
इन्वेस्टमेंट कहां है? पोर्ट्स में है, एनर्जी सेक्टर में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, ट्रेड में है, और तुम्हें बिजनेस भी दे रहे हैं। और मैं सच बता रहा हूं, ये सारा इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सब लोन है कंट्री के ऊपर, जो 100 साल तक भी वो रीपे नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से चीन ने पूरे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में सारे देशों को फंसाया है इन द साउथ ईस्ट एशियन नेशन एज अ वे टू बाईपास द स्ट्रेट ऑफ मलाका, कि हमारे पास म्यांमार एक बेस होगा जिसके थ्रू हम कहां घुस जाएंगे, हम सीधा बे ऑफ बंगाल में चले जाएंगे, हमें पूरा ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी से घूम के स्ट्रेट ऑफ मलाका, मलाका के थ्रू बे ऑफ बंगाल में या इंडियन ओशन में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चीन ने अपना फायदा देखा और उस फायदे के तहत म्यांमार को पटा के रखा और म्यांमार को फंसा लिया एक तरीके से। तो एक तो यह इशू है कि म्यांमार जो है वो चीन के ऊपर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है। जब आप किसी से पैसा लेते हैं या किसी से फाइनेंशियल बेनिफिट अटेन करते हैं तो आप उसके बारे में कुछ कह नहीं पाते, यू आर नॉट एबल टू से एनीथिंग बिकॉज यू आर डिराइविंग दोज बेनिफिट्स एंड यू हैव डिराइव दोज बेनिफिट्स इन द पास्ट। ये चीज है। तो चीन जैसा मैंने बताया स्ट्रेट ऑफ मलाका को बाईपास कर रहा है। इट इज बाईपासिंग द स्ट्रेट ऑफ मलाका, एब्सोल्युटली ट्रू। इसको बाईपास करने के लिए चीन ने म्यांमार के एक पोर्ट में इन्वेस्ट करा हुआ है। आपने इस पोर्ट का नाम शायद ना सुना हो। द नेम ऑफ द पोर्ट इज दिस क्योक्यू पोर्ट। इसकी लोकेशन जो है ये स्ट्रेटेजिकली इतनी बढ़िया है कि इस पोर्ट के डेवलपमेंट की वजह से इंडिया ने जो पोर्ट डेवलप करा है म्यांमार में उसकी लोकेशन खराब होती है। आपको दिखाते हैं, देखिए। सो चाइना फंडेड, इसका नाम है KPSEZ क्योक्यू स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन वेस्टर्न रखाइन स्टेट। रखाइन स्टेट बिल्कुल मतलब भारत से लगता हुआ, बांग्लादेश से लगता हुआ रीजन है। एंड डीप सी पोर्ट प्रोजेक्ट वुड इमर्ज एज अ चैलेंज। इस पोर्ट को बनाया, इन्वेस्ट करा, मतलब लोन के तौर पे इन्वेस्ट करता है चाइना, और BRI का पार्ट बना दिया, जो इनका पुराना सिल्क रूट चल रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चल रहा है। इट विल गिव चाइना डायरेक्ट एक्सेस टू इंडियन ओशन। और इसी तरीके से अगर इंडियन ओशन पहुंच गए तो स्ट्रेट ऑफ मलाका से घूम के आने की जरूरत नहीं है। मैप के थ्रू आपको दिखाते हैं, हैव अ लुक। ये देखिए, ये है क्योक्यू पोर्ट। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये म्यांमार का मैप है, ये चीन का कनमिंग रीजन है। दिस इज द कनमिंग रीजन ऑफ चीन। तो यहां पे क्योक्यू पोर्ट में इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिसके थ्रू आप ट्रेड करोगे, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाओगे, क्योक्यू तक पहुंचोगे और सीधा बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल से सीधा इंडियन ओशन। तो आप जब पहले यहां से घूम के आ रहे थे, Now you don't need to take this route. You have bypassed this route to take this route. अब इस पोर्ट की वजह से म्यांमार जो है, it would be more interested to trade. तो इसकी वजह से ये जो यहां पे कहीं भारत का पोर्ट है, सितवे पोर्ट, सितवे पोर्ट का नाम आपने सुना होगा, उसकी लोकेशन खराब होती है। उसकी लोकेशन कैसे खराब होती है आपको बताते हैं। द पोर्ट इज अ चैलेंज फॉर इंडिया बिल्ट सितवे पोर्ट। ये ज्योग्राफिकली जो है सितवे पोर्ट यहां से काफी आगे है, तो वी हैव टू क्रॉस द क्योक्यू पोर्ट टू कम टू सितवे पोर्ट, गिवन ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द टू पोर्ट्स। दो पोर्ट्स बहुत पास पास बना दिए। तो भारत ने इतना इन्वेस्टमेंट करके सितवे पोर्ट तक पूरा रूट बनाया था, जिसको बोलते हैं कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। मल्टी मॉडल इसलिए क्योंकि वो रोड भी है, रेल भी है, वाटर भी है और सी भी है। सो प्रोजेक्ट कनेक्शन द ईस्टर्न इंडियन सी पोर्ट ऑफ कलकत्ता। कलकत्ता को सितवे से लिंक किया गया है, जो कि रखाइन स्टेट में पड़ता है, आप देख सकते हैं। तो ये है सितवे पोर्ट, दिस इज सितवे पोर्ट। तो ये भारत ने इन्वेस्ट करा है, तकरीबन $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करके सितवे पोर्ट बनाया है। यहां से पलेटवा और फिर जो है हम नॉर्थ ईस्ट तक भी पहुंच सकते हैं इस पोर्ट के जरिए। दिस इज व्हाट इंडिया हैज इन्वेस्टेड इन। और ये प्रोजेक्ट हमारा आज से नहीं, 15 साल से चल रहा है, जो कि अच्छे लेवल पे चल रहा है। अब आप देख पा रहे हैं, ये है सितवे पोर्ट अथॉरिटी, ये है क्योक्यू पोर्ट अथॉरिटी। इतनी पास पास दो पोर्ट्स हैं। सो दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया, इट विल आल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर चाइना। अब वो डिपेंड करता है कि म्यांमार किसको ज्यादा तवज्जो देता है, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, कि यहां से ट्रेड क्योक्यू पोर्ट का बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, यहां से पूरा अफ्रीका खुला है, पूरा गल्फ रीजन खुला है, सब खुला है। Everything is open once you reach over here. तो ये मलाका स्ट्रेट से अभी जो इस तरीके से ट्रेड हो रहा था, घूम के ट्रेड हो रहा था, ये सब कैंसिल, दिस इज ऑल कैंसिल्ड आउट। ये चीज है। अब थोड़ी आपको भारत और चीन के बारे में डिस्प्यूट बताते हैं। भारत और चीन एक ऐसे क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं जहां पर चाइना को भारत की हर चीज में इंटरेस्ट है, जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत की मिलिट्री स्टैंडिंग में, भारत के स्पेस रिसर्च में, भारत की टेरिटरी में डे वन से इंटरेस्ट रहा है। और जिसको लेके हमने गालवान और उसके पहले जो है हमने नॉर्थ ईस्ट में क्लैशेस देखे थे।
यहां तक चीन ने यह कर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश के 12 शहरों को रीनेम करके तिब्बतन और चाइनीज नाम दे दिए हैं। तो ये क्लैशेस जो है ये हम देखते आ रहे हैं राइट फ्रॉम 2016 टिल कोविड। कोविड के बीच में भी उनको जो है अटैक करना याद आ गया। इंडिया एंड चाइना हैव बीन एंगेज इन अ बॉर्डर डिस्प्यूट अलोंग द ईस्टर्न, अरुणाचल प्रदेश पे बॉर्डर डिस्प्यूट है, वेस्टर्न सेक्टर्स लद्दाख पे है। व्हाइल द डिस्प्यूट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर इयर्स, द फ्रेश टेंशन बिगन इन 2020 आफ्टर बीजिंग अमास थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स अलोंग द एलएसी एंड लद्दाख लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन लद्दाख। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स जो है वो थे और ये हुआ है, यही तो गालवान क्लैश हुआ था 2020 कोविड के बीच में। China has renamed 11 places in Arunachal Pradesh and Beijing also wants to contain India in the sea. भारत को आप जो है आप सी में कंट्रोल करना चाहते हो तो लैंड पे आपने बॉर्डर्स। अब आपने देखिए आपने गालवान क्लैश करा, आपने यहाँ पैंगोंग सो पे क्लैश करा, यहाँ पे आपने सारा क्लैश करा क्योंकि आपको अलग अलग टेरिटरीज चाहिए। बेसिकली चीन का जो मुद्दा है वो है पूरा का पूरा लद्दाख। दे वॉन्ट कि भाई लद्दाख जो है वो हमारा है, कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का है, ये जो है क्राउन इंडिया के सर से काटो। ये चीज चीन के दिमाग में है। और जब 370 एब्रोगेट हुआ और ये दो यूटीज में डिवाइड किया गया तो चीन को अपने हाथ से गेम निकलती दिखी। इस वजह से चीन ने 370 के बाद यहां से पाकिस्तान के थ्रू यहां पे टेंशन क्रिएट करी तो यहां पे अटैक हुआ। एंड इस तरफ से क्या करा, यहां से चीन ने खुद एंट्री ली गालवान क्लैशेस करे। तो अब जो कंसर्न्स है भारत के लिए वो अगर वाटर्स में देखे जाएं तो वो है कोको आइलैंड्स पे बेस है ताकि वो भारत पे नजर रख सके। दे विल कीप एन आई ऑन इंडिया। भारत के जो मिसाइल लॉन्चेस होते हैं ओडिशा से, ओडिशा के कोस्ट से बालासोर टेस्ट रेंज यहां से होते हैं, इस पे उनकी नजर रहेगी। अंडमान पे हमारा जैसा मैंने बताया मिलिट्री फैसिलिटी है जो कि 60 किलोमीटर साउथ पे पड़ता है कोको आइलैंड्स के, इस पे वो नजर रख सकते हैं। दिस विल बी प्रॉब्लमैटिक फॉर इंडिया। ये देखिए ये अंडमान है, ठीक है, यहां कहीं कोको आइलैंड्स है, ये अंडमान है और ये ओडिशा, ये बालासोर ये रहा और विशाखापट्टनम ये रहा। विशाखापट्टनम इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट, स्ट्रेटेजिकली द राइट पोर्ट फॉर इंडिया। ये सारी चीजें चीन के टारगेट में आएंगी। कल को अगर वॉर हुई और चाइना ने यहां पे कोई यूनिट कोई मिसाइल लॉन्चर डिप्लॉय कर रहा हुआ है वो एक सेकंड में अटैक कर देंगे, यहां से लॉन्च करके बालासोर को फोड़ सकते हैं, विशाखापट्टनम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मिलिट्री यूनिट अंडमान को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, विच इज वाई वी नीड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। चीन की जो बदमाशी है वो पूरी दुनिया से छुपी नहीं है। अभी कुछ ही महीने पहले चीन का एक स्पाई बलून यूएस ने अपने कोस्ट ईस्टर्न कोस्ट पे शूट करा और उसके बाद चीन को ऑलमोस्ट धमकी दी कि इस तरीके की हरकतें आपकी नहीं चलेगी, ना ही नॉर्थ अमेरिका साइड और ना ही एशिया में। पेंटागन की दी हुई धमकी है, सेड दैट फैसिलिटीज एट कंबोडियाज रियान नेवल बेस, कंबोडिया पे चीन की नजर है और आपस में बहुत दोस्ती है दोनों के बीच में, विल बी द फर्स्ट पीआरसी ओवरसीज बेस इन द इंडो पैसिफिक। ये चाइना बना चुका है ऑलरेडी। तो जैसा मैंने आपको बताया यूएस शॉट डाउन अ स्पाई बलून फ्लाइंग ओवर इट्स टेरिटरी, ये चीज हुई। तो एशिया को लेके यूएस को लेके जो चाइना एक तरीके से अनेक्स कर रहा है दैट इज समथिंग विच इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर एवरीवन इवन द यूएस। ये कंबोडिया है, ये है रीन नेवल बेस। इस नेवल बेस का अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस कंबोडिया ने दिया है चाइना को, इसके थ्रू जो है गल्फ ऑफ थाईलैंड आप पूरी तरीके से एक्सेस कर सकते हो। गल्फ ऑफ थाईलैंड ट्रेड करो, रिसोर्सेज एक्सेस करो, और अगर आप इंडो पैसिफिक मतलब यहां से थ्रू पैसिफिक ओशन के थ्रू होते हुए अगर आपको जाना है तो आप इजिली जो है जा सकते हो, यू कैन इजिली गो ओवर देयर। इस तरीके से चीन ने साउथ ईस्ट एशिया में भी अपना एक नेवल बेस तैयार करा है। सो ऑफिशियल्स फ्रॉम बोथ कंट्रीज हैव डिनाइड सच अ डील एग्जिस्ट, उन्होंने डिनाई कर दिया, लेकिन यह बात सच है कि चाइना इज सीकिंग टू एस्टैब्लिश अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लॉजिस्टिक्स। कैसे कर रहे हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, कहीं पर भी है चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वहां पे कुछ भी डॉक कर दो, कहीं भी पहुंचना हो आपको स्पेशली चाइना से कुछ भेजने की जरूरत नहीं है, वहीं से आपके बेस से चीज पहुंच जाएगी। दैट विल अलाउ द पीएलए टू प्रोजेक्ट एंड सस्टेन द मिलिट्री पावर एट ग्रेटर डिस्टेंसेस। तो चीन और कंबोडिया ने एक सीक्रेट पैक्ट साइन करा है जिसके बारे में आपको बताया। अब वापस आते हैं कोको आइलैंड पे। क्या कोको आइलैंड पे चीन की ऑपरेशन स्टार्ट हो चुकी है? इंडिया हैज असेस्ड दैट चाइना हैज नो ऑफेंसिव मिलिटरी कैपेबिलिटीज ऑन ग्रेट कोको आइलैंड। देखिए ऑफेंसिव मिलिट्री कैपेबिलिटी हो या ना हो, मिलिट्री कैपेबिलिटी होना ही भारत के लिए एक बड़ा रेड फ्लैग है।
जिस वजह से हमें इस चीज को केयरफुल रहना पड़ेगा कि भाई ये कल को हमारे लिए घातक ना हो, इट शुड नॉट बी डेंजरस फॉर इंडिया। क्योंकि अगर आपने बेस बना लिया तो आप कभी भी वहां पे रॉकेट लॉन्चर मिसाइल लाके छोड़ सकते हो। तो चाइनीज रिसर्च वेसल्स यूज्ड फॉर स्नूपिंग, स्नूपिंग का मतलब होता है किसी पर नजर रखना, इन द इंडियन ओशन हैवंट डॉक्ड देयर टू अवॉइड स्टोकिंग सस्पिशंस। लेकिन बात यह, अगर बेस तैयार हो गया तो कल को आप कुछ भी कर लोगे, एनीथिंग कैन हैपन। तो इस वजह से भारत को बहुत ध्यान रखते हुए ये काम करना पड़ेगा। सो वर्कर्स हैव शोड अप, वर्कर्स ने क्या करा, वर्कर्स हैव शोड अप ऑफन टू हेल्प सेट अप इक्विपमेंट। इंडिया प्लान्स टू कंटिन्यू प्रेसिंग म्यांमार जनता टू ब्लॉक चाइना फ्रॉम ऑपरेटिंग द स्पाई पोस्ट। ये भारत ने स्ट्रैटेजी अभी के लिए बनाई है, आगे चल के देखते हैं व्हाट हैज टू बी डन। दिस इज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन कि आप दूसरे देश को कैसे बोल सकते हो कि तीसरे देश को अपनी कंट्री में एंट्री ना दो, वो बोलेंगे हम जो मर्जी करें तुमसे मतलब। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज द मेजर कॉज ऑफ कंसर्न विच वी हैव टू डील विद। सो आई होप यू लाइक द टॉपिक। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।